बनाई हूँ, आम पन्ना बनाऊंगी। ये देखिए, ठंडा करके मैं इसको फिर मिक्सी ग्राइंड में कैसे करूँगा वो तो आपको देखने को मिलेगा। आज मैं रोज़ा हूँ, नफी रोज़ा हूँ मैं, ठीक है। वो ईद के बाद का 6 रोज़ा होता तो मैं एक ही रखी थी, दूसरे दिन रोज़ा रखी थी, उसके बाद चार में रखी हूँ 5। काफ़ी गर्मी है, इसको थोड़ा ब्रेक कर करके मैं रोज़ा रखी है, तो आज खाना मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ मैं क्या बनाऊँगी। आलू की सूखी सब्ज़ी बहुत गर्मी है अब तो, एकदम गोश्त खाने का नहीं करने देगा। कल बनाए थे कबाब, वो है क्योंकि आलू का सूखी सब्ज़ी, हाफ के जी आलू जिसको मैं लंबा स्लाइस उसमें काट के रखी हूँ। बनाऊँगी पुलाव की भाजी बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी, मूँग मसूर की दाल। ये देखिए, ये मूँग मसूर की दाल है, ये भिगो के रखी हूँ। मूँग मसूर की दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, पुलाव की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब कद्दू कद्दू कहते हैं। इसकी भी भाजी बनाऊंगी, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए तेल मसाला एकदम कम, लाइट खाना ये बनाऊंगी। ये सब डाला हुआ मेरे ब्लॉग्स में, मैं आपको बता रही थी आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी। बच्चे कहते हैं वो लोग क्या खाएंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी भाजी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम भी नहीं, 25 ग्राम, जरा सा रही उसकी, मतलब 2 चम्मच। पहले मैं लाव की भाजी बनाऊंगी, ये सूखी मिर्च मैं यूज करूंगी 3 और थोड़ा सा सीधा। बहुत मजे का लगता है मुझे तो, बहुत पसंद है लाव की भाजी, और रोटी हो चावल में सबके साथ मैं खाती हूँ। ये देखिए, हाफ स्पून जीरा दे रही हूँ मैं इसमें, और सूखी मिर्च को हाथ से ही तोड़ के मैं डाल दे रही हूँ सूखी मिर्च को। जीरा मैं ऐसे ही लाव की सब्जी में, कद्दू की भाजी जो होता है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये हो गया, ये देखिए मेरा प्याज बहुत अच्छा से देखिए सा कलर आ चुका है। ये देखिए अच्छा खुशबू आ रहा है ये भाजी का। थोड़ा से पानी में डालूंगी, ये मुझे लाल नहीं करना है, मुझे व्हाइट व्हाइट, तेल में थोड़ा लाल हो जाएगा इसलिए मुझे व्हाइट रखना है। मैं जोर की नमाज पढ़ के उठ चुकी हूँ। ये देखिए मेरा आम जो मैं बॉईल की थी इसको निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए, अभी काफी गर्म है, इसको ऐसे कर दी हूँ कि ठंडा हो जाए। इसका बीज भी निकालूंगी, एक तो छोटा बीज था ऐसा निकला, दो गुठली है। आम के पानी जिसमें मैं बॉईल की हूँ वो पानी मैंने ही फेंकी, उसको भी रखी हूँ ठंडा हो जाए, उसको भी काम, क्योंकि उसमें आम का भी ये काम आ गया, ये फेंकने का नहीं है, फेंकीगा मत। अच्छा, और देखिए मेरा भाजी हो गया कम्प्लीट, कद्दू का भाजी। देखिए ये ग्रीनरी है ना, ये सादा पे है ग्रीनरी, एकदम लाल। इसे ज़रा से पानी दे दी थी क्योंकि तेल का क्या होता है, अगर तेल सड़ जाता है तो लाल पन आ जाता है भाजी में, मज़ा नहीं आता। मेरा भाजी हो गया है, अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी। ये मेरा दिन का लंच है, बच्चे सब घर पे, आमे घर पे, गर्मी बहुत है, स्कूल गया नहीं है, बड़ा वाला भी घर पे है। अच्छे से भून लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत पानी है ये हो गया, मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और भाजी को निकाल, इसमें भाजी को निकालूंगी। इसी कढ़ाई पे मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, और पानी से खंगा लूंगी। माशाल्लाह, देखिए एकदम ग्रीनरी है, वाइट पे ग्रीनरी, ग्रीन कलर भी नहीं है इसका। देखिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको भी मैं 25 ग्राम दी हूँ, ज़्यादा नहीं, 25 ग्राम तेल दी हूँ। चावल मेरा अच्छे से बॉयल हो गया, इसको मैं उतार दूंगी, अब मैं दाल इसमें चढ़ा दूंगी। ये प्रेशर साइड में रख दे रही हूँ, प्रेशर कुकर यहाँ चढ़ा चढ़ दे रही हूँ, इसमें मैं दाल बना लूंगी, भुना दाल बनाऊंगी।
आधा चम्मच जीरा दे रही हूँ, सूखी मिर्च दो सूखी मिर्च में दे रही हूँ, देखिए आलू को मैं पानी झाड़ चुकी हूँ। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक एक चम्मच नमक, वैसे भाजी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, ये कुकर भी गर्म हो गया, तो मैं तेल डालने जा रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाली हूँ, दाल चावल बहुत पसंद है, पापड़ बनाऊंगी। ये देखिए इसमें पानी डालूंगी थोड़ा से, सागर में थोड़ा से पानी देना है, उसके बाद इसे ढक देना है, यहाँ भी दाल का हो गया, इसमें भी थोड़ा सा जीरा, जीरा बहुत, जीरा का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटा सा आधा प्याज है, देखिए हाफ प्याज है, दो सूखी मिर्च है, ये मेरा सूखी सब्जी भी हो गया है आलू का, ये देखिए बहुत अच्छा से हो गया, इसको मैं निकाल ले रही हूँ बनाने सबको, यहाँ मैं जीरा भून रही हूँ, ताजा जीरा भून रही हूँ, जीरा भूनना भुना मुझे तो वो मेरा खत्म हो गया है, देखिए मेरा सूखी सब्जी भी रेडी, दाल भी हो गया है, दाल को मैं भूनने जा रही हूँ, यहाँ मेरा जीरा हो रहा है, ये देखिए मेरा जीरा हो रहा है, ये भून ली हूँ मैं, अब इसको मैं ठंडा करके ग्राइंड करूंगी, मैं चावल वापस से चढ़ा दे रही हूँ, देखिए ये भाजी भी हो गया, अब मैं दाल, आम ठंडा हो गया है, उसको भी मिक्सी में मैं ग्राइंड करके, ये मेरा दाल हो गया है, दाल को मैं घोट लूँ, इसमें टमाटर हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च नमक एक चम्मच, टमाटर एक देखो पानी गर्मी के सर, दाल दाल चावल सब्जी थोड़ा अच्छा बनाइएगा तो बच्चे शौक से खा लेंगे, देखिए मेरा दाल हो गया, मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ, दरअसल दाल में पतला भी नहीं रखूंगी और मोटा भी नहीं रखूंगी, मीडियम रखूंगी मैं, धो के मैं अच्छा से पूरा ले ले रही हूँ, ये बॉईल करने चढ़ा दे रही हूँ दाल को, देखिए मेरा दाल एकदम सही है, परफेक्ट, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से मैं डालूंगी दाल में, दाल मस्त बॉईल हो जाएगा
अब मैं जीरा जो है इसमें मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। ये देखिए ये मेरा जीरा है, इसको मैं भून रही हूँ, ताज़ा भून के खत्म हो गया था मेरा। मेरा भुना गया है, मिक्सी में पीस नहीं है, देखिए क्या अच्छा खुशबू आ रहा है जीरा का। इसको मैं डब्बा में डाल दूंगी। ये देखिए मैं भून ली हूँ, डब्बा में से रख दी हूँ जीरा को एकदम। ये मैंने डब्बा में रख दी हूँ जीरा भून के। अब ये आम है, देखिए इसका जो है बीज में निकाल चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा पीस लूंगी तो ये अच्छा हो जाएगा। आम के पानी जो मैं फेंकी नहीं हूँ उसी पानी को डाल के मैं थोड़ा पीसूंगी। ये देखिए मैं आम को पीस चुकी हूँ, कितना अच्छा सा स्मूदी हो गया है, मेरा दाल भी हो गया है, देखिए मेरा दाल भी हो गया, चावल भी हो गया। चावल को देखिए कि चावल हुआ कि नहीं। देखिए ये मैं आम पन्ना का जो पीस के रखी थी इसको मैं कटोरी में निकाल दे रही हूँ अच्छा से, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं और कुछ नहीं पीसी इसमें, अभी मैं पीसूंगी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसी में मुझे पुदीना थोड़ा सा अदरक और मिर्च पीसूंगी। ये देखिए मेरा फर्स्ट पुदीना है जो मैं खुद लगाई हूँ, ये मेरा खुद का लगा हुआ है, देखिए ये पुदीना का है ये, मैं फिर इसी को पत्ता में लेके पीसूंगी। तो मैं कैंची से काटूंगी, ये देखिए कट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिक्सी में, क्योंकि छोटा छोटा पत्ता है, मैं बहुत बार कट करके पका चुकी हूँ, छोटा छोटा है ये देखिए, मैं थोड़ा काटी हूँ थोड़ा, क्या अच्छा फ्रेश खुशबू है एकदम। इसको मैं धो लूँ, देखिए इतना एक मुट्ठी में काटी हूँ, इसको मैं ग्राइंड करूंगी। ये देखिए मैं तीन मिर्च ली हूँ मेरे पास, ये तीन ग्रीन चिली है जो मैं ली हूँ, थोड़ा से इतना पुदीना ली हूँ और एक टुकड़ा अदरक का ली हूँ। इसको मैं ग्राइंड करूंगी, इसको पतला पतला स्लाइसेस में काट ले रही हूँ, थोड़ा से पानी देके मैं ग्राइंड कर लूंगी, पानी इसमें है नहीं। कैसे बनाऊंगी अब देखिए, मैं ऐसे बना के स्टोर करके इसको रखती हूँ एक महीना तक का आपका रहेगा। ये मिक्सी में मैं लगा रही हूँ, ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ पुदीना हरी मिर्च अदरक। ये देखिए एक साथ में कितना अच्छा से हो गया इसका पेस्ट, ये रेडी है, ये मेरा आम का पेस्ट रेडी। अब मैं देखिए आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी। यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, ये रहा मैं चीनी है, मेरा आम था 300 ml, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूंगी। इसको बना के एक महीना आप रख सकते हैं, ये मैं पानी दो कप पानी डाली हूँ, ये हाफ लीटर बॉटल है जिसका मैं एकदम हाफ का हाफ डाली हूँ। इसमें मेरा आम था 300, मैं देखिए चीनी दे रही हूँ 200 ml में चीनी दे चुकी हूँ। इसे बना के मैं स्टोर करके रखूंगी, चीनी का सीरम ही बना रही हूँ। देखिए चीनी का सीरम बन रहा है, ये देखिए मेरा सीरम बन रहा है। अब ये जो आम है ये मैं इसमें डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
में पका के इसलिए रखती हूँ कि आराम से आप 2 से 3 महीना आप रख सकते हैं। कांच के बोतल में रख दीजिए, जब जरूरत हो आप इसे। और ये मेरा पुदीना, हरी मिर्च, अदरक है जो फ्लेवर में डाली हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इसे अच्छा से पका लीजिएगा। इसे धो के मैं ले रही हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। देखिए इसका कलर ओरिजिनल कलर में, इसमें थोड़ा से ये देखिए ये सारा मसाला है। ये काला नमक मैं 2 चम्मच यूज की हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च में यूज कर रही हूँ क्योंकि काली मिर्च में यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच चाट मसाला। मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं है तो मैं चाट मसाला दे रही हूँ, और आपको काला नमक दे रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च दे रही हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ, कितना अच्छा सा उसका बबल्स आ रहा है। इसमें ले जमाने इसमें मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा सब रहना चाहिए। ये भुना हुआ जीरा है, अभी मैं भुनी हूँ आपने देखा। इसे मैं भी 1 चम्मच डालूंगी। माशाल्लाह इसका तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच इसका भी मैं डाल दे रही हूँ, भुना हुआ जीरा का मेरा। ये जब बन जाएगा इसको ठंडा करके कांच का जार में आप रख दीजिए। ये मेरा फूड कलर है, देखिए ये मेरा ग्रीन फूड कलर है जो मैं इसे यूज करूंगी। इसका कलर देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। बस ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद सब कांच के जार में इसको डाल लीजिएगा। ये देखिए इसमें मैं फूड कलर यूज करूंगी ग्रीन। चार ड्रॉप यूज की हूं मैं। देखिए ये गाढ़ा हो रहा है। स्टार्ट हो गया है, ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। सूख के काफी गाढ़ा हो गया है, ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी देखिए काफी गाढ़ा हो गया है। ऐसा कलर देखिए फूड कलर में दिए तो डीप कलर ये हो गया। अब मैं गैस को मैं बंद कर रही हूँ, गैस में बंद कर दी हूँ। ये देखिए ये अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से ये कांच का जार है मेरा। देखिए ये जार है जिसमें मैं इसको ठंडा हो जाए, ये जब ठंडा है इसको मैं कांच के जार में स्टोर करके रख दूंगी। ये आपका आराम से 3 महीना स्टोर हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बनाई हूँ, मैं कम ही बनाई हूँ, बस जितने दिन ये चलेगा फिर मैं बनाऊंगी। मैं आपको बता रही जैसे बना, ये पक चुका है बहुत अच्छे से। इसको आप कांच के जार में रख के जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा। जब आपको पीना होगा ठंडा पानी दीजिए, बहुत सारा आइस क्यूब डालिए, पुदीना डालिए, ये डाल ये मिक्स करके आइस क्यूब और पुदीना सारा आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया। ओके अब मैं इसको रख रही हूँ, जब ठंडा हो जाएगा फिर इसमें जार में मैं भर दूंगी। ये देखिए मैं बना चुकी हूँ, ठंडा हो गया, इसको मैं जार में फिर अभी अभी मैं बना के आपको एक गिलास दिखा रही हूँ। ये नींबू है, नींबू के स्लाइसेस मैं काटूंगी।
स्प्राइट लाया, आप पान में भी बना सकते हैं। वो स्प्राइट लाया तो बोला स्प्राइट में हमको बना के देने। ये मैं थोड़ा से मैं पहले ये डालूंगी, एक चम्मच लूंगी मैं, थोड़ा सा स्प्राइट डाल रही हूँ। फिर इसको मैं थोड़ा सा घोल लूँ। पानी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारा आइस क्यूब डाल के, थोड़ा सा नींबू का रस आप दे दीजिए टैंगीनेस के लिए। थोड़ा सा नींबू का रस मैं देती हूँ और मैं स्प्राइट इसमें डाल रही हूँ।